पर लटकते मिले हैं तीनों के शव। दंपति और बच्ची के लटकते मिले शव, घर पर लटकते मिले हैं तीनों लोगों के शव। दंपति और बच्ची के लटकते मिले हैं शव, घर पर लटकते मिले हैं तीनों के शव। और यासीन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। यासीन, हत्या आत्महत्या की जांच में पुलिस जुटी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक? खुद बता दूं कि मंझनपुर कोतवाली के टेंसा आलमबाद का एक मजरा है गोपालपुर गांव, वहां पे जो है एक मासूम बच्ची की पहले हत्या की गई, उसके बाद पति पत्नी दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसकी सूचना जब सुबह ग्रामीणों की हुई तो ग्रामीणों ने इसका घर का दरवाजा तोड़कर जो है शव को जो है नीचे उतारा था, उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पहुंचकर तीनों शव कब्जे में ले लिया है और गांव वालों से भी पूछताछ कर रही। इसका जो मृतक उसका पिता अभी है नहीं, उससे जो है बुलाया गया है, वो आएगा मौके पर तो कुछ जानकारी दे पाएगा। उसके अलावा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है। जी शुक्रिया यासीन इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। अवनीश अवस्थी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, कानून व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। अपर मुख्य सचिव ने 2 महीने में 7 हत्याओं से नाराज हुए आईजी एसएसपी समेत कई अफसर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है, 2 महीने में 7 हत्याओं से नाराज हुए हैं आईजी एसएसपी समेत कई अफसर मौजूद, आईजी एसएसपी और कई अधिकारी मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था की समीक्षा अवनीश अवस्थी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। कानून व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है, 2 महीने में 7 हत्याओं से नाराज हुए हैं वाराणसी में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, मीटिंग लेते हुए आईजी एसएसपी कई अधिकारी मौजूद। खबर चंदौली से है, जहां पर कार मैजिक की टक्कर में 6 लोग घायल हुए हैं, दोनों वाहन चालकों को पुलिस ने भर्ती कराया। चंदौली में कार और मैजिक की टक्कर में 6 लोग घायल, दोनों वाहन चालकों को पुलिस ने भर्ती कराया। अलीनगर के मुगलसराय चकिया रोड पर हादसा। चंदौली से खबर, जहां पर कार और मैजिक की टक्कर हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं, दोनों वाहन चालकों को पुलिस ने भर्ती कराया है। अलीनगर के मुगलसराय चकिया रोड पर यह हादसा, आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। संतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, जो घायल हैं उनकी क्या हालत बनी हुई है अभी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, घटना में जो मैजिक चालक है उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, हालांकि पहले की खतरे से बाहर बताई जा रही है। और ये जो इनोवा है इस पर वाराणसी उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ लिखा हुआ, बीजेपी का झंडा लगा हुआ, ये तेज रफ्तार थी और बनारस से मुगलसराय की तरफ आ रही थी और मैजिक की जो है सवारी लेकर मुगलसराय की तरफ जा रही थी और अमोपुर के लोगों के सामने घटना हुई है, क्योंकि रोड काफी काफी भीड़ के चार लोगों ने मदद पहुंचाई और घायलों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। जी शुक्रिया संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। और आजमगढ़ से खबर है, जहां पर किशोरी के साथ गैंग रेप की वारदात, 5 युवकों ने अपहरण कर गैंग रेप किया है। आजमगढ़ में किशोरी के साथ गैंग रेप की वारदात, 5 युवकों ने अपहरण कर गैंग रेप किया है। गैंग रेप की घटना के बाद से आरोपी फरार हैं, 4 नामजद और 1 अज्ञात पर केस दर्ज। बिलरियागंज थाना क्षेत्र में गैंग रेप की यह घटना हुई है। आजमगढ़ से खबर, जहां पर किशोरी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, 5 युवकों ने अपहरण कर गैंग रेप किया। गैंग रेप की घटना के बाद से आरोपी फरार। सुधीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। सुधीर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले में अब तक, किसी की गिरफ्तारी या क्या कुछ पूरी जानकारी? जी आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 15 वर्षीय किशोरी जो है शौच करने गई थी कि 2 लड़कों ने उसको बाइक का अपहरण कर लिया और लेकर सुनसान जगह पे ले गए, नलकूप था और उसके अंदर जाकर के 2 लड़के पहले से मौजूद थे, कुल 5 लड़कों ने उनके साथ गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद और उसको ले जाकर के गांव के दीवार में फेंक करके चले गए, जिसकी शिकायत उसने जब अपने परिवार वालों से की तो परिवार वाले थाने पर गए, लेकिन पुलिस बिलरियागंज थाने जो पुलिस है काफी देर तक ढीला हवाली करके मुकदमा दर्ज करने से। शुक्रिया सुधीर इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और खबर फरुखाबाद से, जहां पर 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, राजू उर्फ राजिक अली को गिरफ्तार किया गया है। फरुखाबाद से खबर, जहां पर 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, राजू उर्फ राजिक अली को गिरफ्तार किया गया है।
गौकशी के मामले में फरार था राज्यखली एक तमंचा, कारतूस, बांका आदि भी बरामद। इंस्पेक्टर देवेंद्र दुबे की टीम को सफलता मिली है। इंस्पेक्टर देवेंद्र दुबे की टीम को सफलता, 10,000 के नामी बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। और खबर लखीमपुर से, जहां पर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ। इंस्पेक्टर संपूर्णा नगर राकेश सिंह सस्पेंड। लखीमपुर में भारत समाचार की खबर का असर, इंस्पेक्टर संपूर्णा नगर राकेश सिंह सस्पेंड, रिश्वत ना देने पर जेल भेजने की धमकी। स्मैक में जेल भेजने की धमकी दी थी, भारत समाचार पर चली खबर, तो एक्शन। भारत समाचार पर खबर चली, एक्शन हुआ है, भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। जॉनी दादा, जी हाँ, जॉनी दादा को पकड़ना पुलिस के लिए किसी भारी टास्क से कम नहीं था। 21 थानों की फोर्स उसकी तलाश में बीते करीब एक हफ्ते से लगी थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। और अब बिजनौर में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले जॉनी दादा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने जॉनी का शव एक बस से बरामद किया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। जॉनी दादा का काम तमाम। मौत से पहले सोशल मीडिया पर मैसेज, खुद को गोली से उड़ाया। पहले दो भाइयों को गोली मारी, फिर गर्लफ्रेंड की मौत की नींद सुलाया और फिर खुद हमेशा के लिए सो गया। ये पूरी कहानी सुनने में बड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन ये हकीकत है बिजनौर के जॉनी दादा की जिंदगी की। जॉनी दादा, जिसकी तलाश 21 थानों की फोर्स बीते एक हफ्ते से कर रही थी, उसने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली है। जॉनी दादा बस में सवार होकर बढ़ापुर जा रहा था, और इसी दौरान जॉनी दादा की तलाश में पुलिस ने उस बस की चेकिंग भी शुरू कर दी जिसमें जॉनी दादा सवार होकर बढ़ापुर जा रहा था। चेकिंग के दौरान नकाबपोश जॉनी ने नकाब हटाने से पहले ही कनपट्टी से कर खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मीना चौराहे से बैठे थे दो यात्री, जिसमें एक जॉनी था जो बदमाश था। तो यहाँ रात्रि में चेकिंग हुई 12:30 बजे रात्रि में, तो जो बदमाश था उसने मुंह पे रुमाल बांधे हुए था, हाँ रुमाल। तो सिपाही के कहने पे जब उसने उतारा तो उसने खुद ने अपना आप गोली मार। 12:30 बजे लगभग थाने के सामने पुलिस ने गाड़ी चेक की, तो और यात्री चेक करने के बाद जब इसके पास पहुंचे तो एक गमछा बांध रखा था। पुलिस ने कहा कि गमछा हटाओ, इतने में उसने पता नहीं कहां छिपा कर रखा था असलहा निकाला, अपने खुद को गोली मार दी। इस वारदात को अंजाम देने से पहले जॉनी ने अपने फेसबुक पर ऐसे कई पोस्ट लिखे जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जॉनी दादा ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर पोस्ट डाले थे जिसमें उसने अपने आखिरी दिन का साफ साफ जिक्र किया था। थाना बड़ापुर और शहरा में मर्डर का अभियुक्त जॉनी उर्फ अश्वनी आज बस में ट्रेवल करते हुए जा रहा था बड़ापुर के। यहाँ पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान उसको रोका। जब उन्होंने उसको सरेंडर करने का कराने का प्रयास किया तो घबराकर उसने आत्महत्या कर ली। वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसके बॉडी को अस्पताल भिजवाया गया, उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। 1,00,000 के इनामी जॉनी दादा की मौत के बाद पुलिस ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन जॉनी को पकड़ने में नाकामयाब पुलिस उसकी मौत के बाद अपनी ही पीठ थपथपाने में लगी हुई है। भारत समाचार के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से, जहां पर 18 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ा है परिवार, न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। कुछ दिन पहले युवक का अपहरण हुआ, हरदोई पुलिस ने केस में कार्रवाई नहीं की। हरदोई पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन, बच्चे समेत परिवार के 6 लोग टंकी पर चढ़े हैं, साथ में वकील भी पानी की टंकी पर चढ़ा। दुग्गा के जॉगर्स पार्क के पास भारी भीड़, जॉगर्स पार्क के पास भारी भीड़, न्याय न मिलने पर टंकी पर चढ़ा परिवार।
चित्रकूट से खबर है जहां पर कुल्हाड़ी से काटकर किसान की हत्या की गई है। दोस्त पर ही किसान की हत्या का आरोप। कुल्हाड़ी से काटकर किसान की हत्या, दोस्त पर ही किसान की हत्या का आरोप। आरोपी दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। मऊ थाना क्षेत्र के चिवलाहा गांव का मामला। कुल्हाड़ी से काटकर किसान की हत्या, मऊ थाना क्षेत्र के चिवलाहा गांव का यह मामला है। दोस्त पर ही किसान की हत्या का आरोप। आरोपी दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल्हाड़ी से काटकर किसान की हत्या। बलिया से खबर है जहां पर पुलिस की वर्दी में फर्जी सिपाही गिरफ्तार हुआ है। प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद से आया था, पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा है। पुलिस की वर्दी में फर्जी सिपाही गिरफ्तार हुआ है। प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद से आया था, पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। पुलिस लाइन से चोरी की थी बाइक। रसला कोतवाली में फर्जी सिपाही पर केस। पुलिस की वर्दी में फर्जी सिपाही गिरफ्तार। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर में हुए रावण दहन के दौरान रेल हादसे में गई करीब 59 से ज्यादा जिंदगियों से कोई सबक नहीं सीखा है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित बदेशी गांव के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे ग्रामीणों ने भैंसों की कुश्ती दंगल का आयोजन किया। इस दौरान वहां मौजूद काफी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर इस कुश्ती का आनंद ले रहे थे। जरा सी लापरवाही पर बड़ा हादसा हो सकता था। लापरवाह जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। खबर लखीमपुर से है जहां पर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ठेलिया पर लादकर मरीज को घुमाया जा रहा है। स्टैंड की जगह ग्लूकोज मरीज पर रखा है। वार्ड में कुत्तों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। सोशल मीडिया पर बदहाली का वीडियो वायरल हो रहा है। वार्ड में देखिए। और शारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शारिक, ये पहला मसला नहीं है जब स्वास्थ्य सेवाओं की ये तस्वीरें हमने दिखाई हो दर्शकों को। एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीर को बयां करती ये पूरी जो तरह तरह की तस्वीरें सामने हैं। तो वार्ड में देखिए, कुत्तों के बीच में मरीजों का इलाज हो रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, 2-3 मरीज हैं। और ये देखिए किस प्रकार से। शारिक, पहला मौका नहीं है जब जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी बदहाली की तस्वीरें सामने आई हो। एक बार फिर से कमोवेश वही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की। बिल्कुल, देखिए लगातार ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था, एक बेबस पिता अपने बच्चे को लेकर कंधे पर लेकर घूम रहा था, उसकी मौत हो गई थी। और अब ये कहीं पर ठलिया पे इलाज हो रहा है, कहीं पर स्टैंड की जगह उसको बोतल पकड़ा दी गई, कहीं पर फर्श पर ही लेटा कर इलाज किया जा रहा। तो स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो काफी बुरा हाल जिले में। हालांकि इस बात पे सभी संज्ञानित है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो भी इंतजाम है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। शुक्रिया शारिक इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और कन्नौज से खबर है जहां पर अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। 10 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप, एक जानवर के बच्चे को निवाला बना चुका है ये। वन विभाग की टीम ने पकड़ा है अजगर, ठटिया क्षेत्र के सिंगापुरवा का ये मामला। 10 फीट का अजगर से हड़कंप। और देखिए लोगों में देखने की जिज्ञासा भी, अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। 10 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर ने एक जानवर के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। और देखिए लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पर इस प्रकार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे देखिए 3 मिनट में तत्स खबरें फटाफट अंदाज में।